अच्छा, अब ना हम इंटरनल फीचर्स की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास, हमें पता कि राइट वेंट्रिकल की हमने बात की, यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल है, और अगर हम इसको ओपन करते हैं इस साइड के ऊपर तो ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर पोर्शन आ जाता है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर पोर्शन आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास इस साइड के ऊपर राइट वेंट्रिकुलर पोर्शन है। तो जो वेंट्रिकुलर पोर्शन है ना, उसके बारे में हमने जो एक दो बातें याद रखनी है, थ्योरेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कि जो आर्टरिया होता है ना, आर्टरिया वो यहाँ पे अच्छी तरह से शो नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अगर आर्टरिया का भी एक पोर्शन होता, उसे भी मैं आपके सामने डिस्क्लोज करता तो फिर जब दिखाता, तो वहाँ पे भी आर्टरिया के ऊपर भी ना ये जो पोर्शन होता है ना, ये थोड़ा सा जैसे यहाँ पे इररेगुलर है, यहाँ पे प्रोजेक्शन ही बनी हुई हैं, ट्रेबिकुले से बने हुए हैं, तो वैसे आर्टरिया की सर्फेस के ऊपर भी होते हैं। तो जो आर्टरिया होता है उसके ऊपर जो होते हैं वो मस्कुलेटी, यानी कि वो पेक्टिनेट मसल की वजह से होते हैं, मस्कुली पेक्टिनेटी, यानी कि उन मसल्स की वजह से इनके ऊपर जो है ना वो ये प्रोजेक्शंस वगैरह आ रही होती हैं, और उसकी भी जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती। लेकिन वेंट्रिकल के अंदर ये पेपिलरी मसल होते हैं, और ये इन प्रोजेक्शन को ट्रेबिकुलर कार्निया कहते हैं। तो जो वेंट्रिकल का ये वाला पोर्शन होता है, जैसे अंदर वाली साइड के ऊपर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये सारे का सारा रफ एंड पोर्शन है, इसके ऊपर जो ये है ये प्रोजेक्शन नज़र आ रही हैं आपको, मैं क्लोज व्यू दिखाऊँ, और जो बाहर वाला पोर्शन आपको है, और जो वॉल है इसकी, इसके ऊपर भी ये जो है ना प्रोजेक्शन नज़र आ रही हैं। लेकिन जो इसका आउटफ्लोइंग पार्ट होता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे राइट वेंट्रिकल, हमने कहा था कि राइट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल किस चीज़ के अंदर जा रहा होता है, राइट वेंट्रिकल से आगे निकल रही होती है आपके पास पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक के बिल्कुल ऊपर आपके पास आपको पता है कि होता है एक ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि पल्मोनरी वाल्व होता है, ठीक है, उसको ट्राइकस्पिड कह सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर, उसके पास भी तीन कस्प होते हैं, वैसे उसको ट्राइकस्पिड कहते नहीं है, लेकिन उसके तीन फ्लैप्स होते हैं उसके भी, जो वाल्व होता है उसके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये पोर्शन है, और इनफ्लो वाला जो इसका पोर्शन है ये बिल्कुल स्मूथ पोर्शन है, यहाँ पे जहाँ पे मार्किंग हुई है ये बिल्कुल स्मूथ पोर्शन है, ठीक है। तो अब हमने देख लेना है बिल्कुल इसी साइड, इसी तरह हम देखते हैं लेफ्ट वाली पोर्शन के ऊपर, तो लेफ्ट वाली पोर्शन के ऊपर भी अगर हम देखते हैं तो ये देखें, यहाँ पे भी आपके पास पेपिलरी मसल हैं, ट्रेबिकुलर कार्निया हैं, और जहाँ से इसने आउटफ्लोइंग पार्ट इसका एओर्टा में जा रहा है, ये अंदर से अगर हम देखें तो ये जो ऊपर से एओर्टा में इसका जो पोर्शन जा रहा है, ये वाला पोर्शन ऊपर से ये एओर्टा है, एओर्टा के पास भी एक तीन कस वाला वेल्व है, तो ये बिल्कुल जब ऊपर जा रहा है तो इसका भी यही सिस्टम है कि अंदर से ये जो इसका आउटफ्लो वाला पोर्शन होता है, जो कि इसका इनफंडिबलम आ गया, तो वो वाला स्मूथ पोर्शन होता है।